हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में बजाज पल्सर 125 2023 मॉडल, जो कि E20 में लॉन्च हुई है। उसका सिंगल सीट मॉडल एंड उसका स्प्लिट सीट मॉडल दोनों मेरे सामने है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। बजाज ने इसे दो वर्जन में लॉन्च किया है, एक स्प्लिट सीट और एक सिंगल सीट में। तो गाइस, बात करते हैं इसके डिफरेंस की। तो दोनों का डिटेल रिव्यू मैंने कर चुका हूं, तो आप पिछले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं इसके डिटेल रिव्यू को, स्पेसिफिकेशंस को। तो आज मैं इसके दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फ्रंट में देखने से तो कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ डिफरेंस है फ्रंट में, पर एक चीज़ है, यहाँ पे आपको 170 मिलीमीटर का डिस्क आपको इसमें देखने को मिलता है, जबकि वहीं स्प्लिट सीट में आपको जो है 240 मिलीमीटर का डिस्क देखने को मिलता है। तो गाइस, ये तो रही फ्रंट की बात। तो अब बात करते हैं इसके बैक की। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो सीट है ये एक स्प्लिट सीट है, यानी स्टेप अप स्प्लिट सीट आपको इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको यूनी लेवल सीट देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। और डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है, डिज़ाइन जो है सेम है, ग्राफिक्स वगैरह सारे सेम है। यहाँ पे आपको पल्सर का जो लोगो वहाँ देखने को मिलता है, यहाँ टैंक सारा सेम है। यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, टैंक में वहाँ पे भी आपको E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बात करें इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो उसमें भी कोई आपको चेंजिंग नज़र नहीं आएगी, सारा कुछ सेम है। अब बात करते हैं इसके पीछे के डिज़ाइन के, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ सकती है, जो कि है ग्रैब रेल बार। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रैब रेल बार जो है वो सिंपल डिज़ाइन में है, जो आपको नॉर्मल पल्सर में देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके स्प्लिट सीट वर्जन की बात करें, तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल बार जो है वो कुछ अलग डिज़ाइन में देखने को मिलता है। ऐसे स्पोर्टी लुक पीछे से दिया गया है स्प्लिट सीट वर्जन को। तो गाइस, यही थी इसके बीच में अंतर, डिफरेंस क्या है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो है स्प्लिट सीट और ग्रैब रेल बार का जो डिफरेंस है वही। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, यानी लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर स्प्लिट सीट वाले वर्जन की बात करें, तो ये आपको 1,11,000 ऑन रोड मिल जाएगी, और अगर सिंगल सीट वाले की बात करें, तो ये आपको मिल जाएगी 1,08,129 रुपए ऑन रोड। तो अराउंड 2500 से 3000 के बीच का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी पसंद आती है, आप उसकी और जा सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और भी अगर बाइक्स के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।